सो गाइज, मैं ये अभी ले आई हूँ अपना बीपी चेक करने के, बिकॉज मुझे थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। और मेरी सिस्टर की नमाज़ हो गई, मगरिब की खैर अजान भी हो रही है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। और हाथ मेरा जो है अब फूलने लगा है, गन गन गन। सो उसके बाद देखते हैं प्रेशर कितना होता है, एक बार रिजल्ट आने से दिखाते हैं। सो गाइज, मेरा बीपी कुछ इतना हो रहा था और देन मैं उसके बाद अपना एसगार्ड जूस निकाल के। गाइज, मेरा रात का खाना आ चुका है और खाने में है भिंडी और मछली है। यार कोई कैसे रात को मछली वछली खा लेता है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। आज दिन में मछली बना था और रात के लिए भी मछली बचा हुआ है। और मैं क्या ही बताऊँ, मेरी सूरत हाल, मुझे बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं है। फिर भी मैं ज़बरदस्ती खाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि भिंडी की भाजी है। वैसे ये सब तो ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे दिन में ही मछली पसंद है, और वो भी क्या बोलते हैं, राइस के साथ, एंड वन टाइम कुछ भी हो, वन टाइम। सो लाइक OTP, वन टाइम पासवर्ड, तो वन टाइम पसंद। सो जिंदगी की यही रीत है, हार के आगे कभी जीत है। मतलब थोड़ी देर पहले मैं इमोशनल थी, लेकिन कैमरा ऑन करते ही मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाती हूँ। कि आप लोगों के साथ इमोशनल अपना क्यों शेयर कीजिए, आप लोग तो मुझे इंटरटेन होने के लिए देखते हैं, मेरे लाइफ स्टाइल के लिए देखते हैं। सो रोना धोना जिंदगी में, अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, एवरीवन नोज के लाइक, मतलब के ये सब तो ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन जिसके नसीब में रोना लिखा हो, भाई मैं एक लाइन आज बोल रही हूँ और वो भी मैंने कहीं से देखा है, वो मतलब मैं लिटरली वो फील की हूँ कि अगर आपके नसीब में रोना लिखा है तो आप हंसते हंसते भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो कोई रोक नहीं सकता है। मीन्स ऐसा लाइफ हो जाता है कभी कभी, इतना इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं इतना ज़्यादा। अल्लाह सबको इस सबसे दूर रखे, यही दुआ है। सबको अच्छी ज़िंदगी दे, सबकी अच्छी मतलब अच्छी सेहत दे, और बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आला मुकाम पे पहुँचाए, बहुत कामयाबी दे, बहुत सबके रोज़ी रोज़गार में बरकत दे। सो कभी दूसरे को देख के जलना नहीं चाहिए, कभी नहीं। अपना हार्ड वर्किंग हमेशा होना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन इंशाल्लाह सबको फल मिलना है। और कभी ये नहीं दूसरा कि वो अमीर है तो वो अपने कर्म से है और किसी का लेके नहीं है। हाँ, बहुत लोग हैं जो हराम खा के भी अमीर हैं, लेकिन बहुत लोग हैं दुनिया में जो हलाल खा के भी हैं। सो आप उनसे जले नहीं, उनका पीछे के स्ट्रगल को आपको नहीं पता है। तो आप लोगों को जज करने से पहले एक बार तो कम से कम सोच लें। बहुत से लोग ऐसे जजमेंटल हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। लोगों की क्या कैफियत दिल पे गुजरती है किसी को नहीं पता होता। और बहुत सारा मेरा बात हो गया, बट मैं आज दिल से मतलब बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रही हूँ कि कोई ये सोचता है वो सोचता है। बस सोचने वाले का काम है सोचना, मेरा काम है वीडियो बनाना, ब्लॉग करना, ये सब मेरा अब एक काम वाइज मैं इसको लेने लगी हूँ। सो मैं इसको अपना कंटिन्यू रखूँगी, और जिसको जैसा लगे मेरी लाइफ से जले, जो करे, मुझे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ना है, घंटा फर्क नहीं पड़ना है। जैसे लोग सब अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। सो इट्स कोई अनफेयर की बात नहीं है, वेरी फेयर। सो चलिए ना, बाय, मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह, वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें लाजमी। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर नहीं करते गाइज, सो कर दें और मुझे अच्छा फील होगा और मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ आएंगे। सो आप लोगों की दुआ से मैं भी एक दिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कर लूँगी, लोग मुझे बेकार ना समझा करें। तो ना, बाय। सो गाइज, हो गया मेरा खाना पीना कंप्लीट, और मैं पहले से वजू करके आई थी नमाज़ पढ़ने से पहले। मैं सोची खाना खा लेते हैं फिर अब चलते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर तो सोचे आपको बता देते हैं कि नमाज़ पढ़ना भी लाजमी है क्योंकि नमाज़ में ही सुकून है। दुनिया तो आपको सुकून देने से रही नहीं, तो आखिरत ही काम आएगा एट दी एंड। सो ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। उसके आगे डॉट डॉट डॉट, सो अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, बाय बाय। सो गाइज, मेरी नमाज कंप्लीट हो गई है और यहाँ हमारे माइक्रोवेव ओवन में कुछ गर्म हो रहा है। और ये जो मेरी दुआ है, अच्छा बड़ा रगड़ रगड़ के नहा रही है, देखें उसको, देख के थोड़ा मजे ले, जायजे ले। ये मेरी अट्रैक्टिव बच्ची, अट्रैक्टिव बच्ची, ये मेरी जान है। अब खुद को तुम वहां रहोगी तब ना दिखोगी, सेल्फी नहीं है बेटा, ऐसे वीडियो होता है, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ओके, टोटो टोटो, वो लड़की को देखे गाइस, जो दुआ है वो वहाँ पे क्या कर रही है, क्या कर रही हो? हाँ, झूलवा झूल रही हो?
और ये यहाँ पे माइक्रोवेव में गर्म हो चुका है, बट इसको रिसीव करने कोई आ नहीं रहा है। वो अपना आवाज दे रहा, टिनी नी 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 टिनी नी 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 नी। और दुआ हमारी यहाँ पे मौज और मस्ती में लगी हुई है। अभी किसी से वो सर पे सर टकरा के सर फोड़वा के आई है। किससे सर लड़ा है दुआ? ऐसे से किससे? उमर से? कौन से? कौन है तुम्हारा? वो मार दिया है? दोनों का सर लड़ गया है? कैसे? ऐसे खाना खाई हो दुआ? ऐसे 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 खाना खाई हो? क्या खाई हो? हाँ आलू गोश्त। ओह माय गॉड, मुझे आलू गोश्त नहीं मिला था गाइस। तुम नहीं खाई हो? तुम तो अभी बोली हो खाए हैं। क्या खाई हो तब? अभी खाओगी? सो गाइस, हो गया नेक्स्ट डे और मैं अपनी अम्मी को लेके जा रही हूँ एक डॉक्यूमेंट के काम से। और ये मैंने बाहर का मोमेंट कैप्चर के लिए, सो आप भी इंजॉय कर रही है सारे मोमेंट्स को। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं सुबह सुबह अपने घर को चकाचक कर चुकी हूँ और वैसे मैं और भी बहुत कुछ कर चुकी हूँ, मीन्स के एसगार्ड जूस पीना, चाय पानी पीना। और मैं इधर अपने गार्डन में, गार्डन क्या, छोटा सा गार्डन में, उसमें भी वाटरिंग कर चुकी हूँ। और ये मेरा प्लांट है, फूल हुआ था अभी नहीं है, और ये एलोवेरा है। एंड इधर भी छोटा सा प्लांट है, अभी एलोवेरा 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 है। सो अभी मैं चलती हूँ नाश्ता पानी की तरफ, और नाश्ता पानी के बाद मुझे कुछ लोग ऐसे देख रहा था, मैंने क्या ही कर रहा है। सो कुछ अब ये गेट पहले बंद करते फिर। सो गाइज, अब मैं चलती हूँ नाश्ता पानी के लिए। और देखें आप मेरा रूम, अब मुझे फिर थोड़ा काम से निकलना है बाहर, मीन्स अपने ही एरिया में बाहर की तरफ जाना है। जो भी काम है वो उसे निपटाऊंगी। बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, और पेंडिंग क्या मतलब कि मैं एक दिन जाके वापस आई हूँ, कुछ चीज़ की वजह से हो नहीं पाया। सो आज हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि वो काम ऐसा था क्या। सो अभी चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या नाश्ते में है। सो फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं जैसे कि आपको बताई थी कि मैं काम वाम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मुझे कुछ काम से निकलना है, तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ कुछ काम से। मेरी अम्मा का और मेरा भी काम है। सो अभी चलते हैं और देखते हैं कि फाइनली वो काम जो भी है वो हो जाए। मैं जा रही हूँ, सरमीन को लेके जा रही हूँ, और देन अभी मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, फिर मुझे जाना है क्योंकि सब करके जाना होता है। एंड देन आते हैं तो फिर भी और पेंडिंग में काम है, वो भी करना है। सो मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद, और जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, बट गलत बात है ना, गलत बात है, कर देना चाहिए। आप लोग के सपोर्ट की वजह से बहुत इंसान ग्रो कर सकता है। सो एक सब्सक्राइब, एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको दिल से शुक्रिया। और जो आगे देखने वाले हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और बेल आइकन को दबा के जाना। सो अभी के लिए मैं जा रही हूँ। यहाँ शर्मिन निकल चुकी है अपनी गली, और मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। सो गाइस, ये लड़की झोल झाड़ने रास्ते में। सो गाइस, हमारा पर्पस आज बाहर निकलने का यही था कि शर्मीन अपना जो थोड़ा है घर के गंदी साफ करे, इसीलिए हम लोग ये वाला खरीदे हैं। और ये शर्मीन जाके घर में पूरा साफ करने लगी, और ये देखेंगे लड़की की बचपना हरकत, बत्तख के पीछे लगी हुई है। आवाज निकाल रही है उसका भाई बहन जैसा हम लग रहे हैं उसको। सो गाइस, ये मेरा आलिशान महल आ चुका है, और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। घर आ ही चुका है, तरफ जाने की कोई बात ही नहीं। मेरा बाहर और गेट ऑलरेडी खुला हुआ है, और मैं चली चली अपने गली। सो गाइस, मैं घर आ गई और मैं लगी हूँ झोल की सफाई करने। गाइस, घर की सफाई, क्योंकि सफाई तो ही सफाई, जिंदगी में सफाई रखना बहुत वेल मेंटेन्ड, वेल मैनर्ड, मैं कुछ भी कह रही हूँ भाई साहब, बस सफाई मुझे करना है। सो गाइस, बाय बाय, आप भी अपने घर की सफाई कर ले वरना गंद मचा हुआ आपके भी घर में, मुझे पता है ये सब। चलो
गाइस मैं गई थी बाहर, मेरी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो रहा है, और कुछ काम था बाहर, सुबह शाम बाहर आने जाना। कुछ दिन घर में फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो जो पेंडिंग वर्क है जो मेरे लिए रखा रहता है वो मैं नहीं कर पाऊंगी। सो जो भी था करके आए हैं यार, ये सब बहुत अजीब सा काम होता है यार, इधर उधर चक्कर में डॉक्यूमेंट्स वाला। सो अभी रात के कितने बज रहे हैं आप गेस कर सकते हैं क्या, मैं कितनी लेट आई हूँ बाहर से। और मैं और सरबीन गए थे सुबह, भी गए थे सुबह, एक काम मेरा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था जिससे खुशी, और ये जो अभी वाला काम था इसमें कोई खुशी नहीं है लेकिन करना पड़ रहा मजबूरन। बट अभी आपको टाइम दिखाते हैं, वेट देखिए गाइस, रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट इंटर की हूँ घर में। क्या ही बताएं कि क्या चल रहा है जिंदगी में। सो गाइस मिलते हैं आपसे खाने पे, और पहले बीच में नमाज वगैरह पढ़ लेंगे फिर उसके बाद। और देखिए वो वाला रखा है जिससे मैं झोल झाड़ के, जो अपने घर का जो मैं कचरा क्यों ना, मुझे पता ही नहीं था घर पहुंचा चुका है मैं, उसमें आके झोल झाड़ रही फिर से पूरा घर गंदा की, फिर खुद साफ करना पड़ा। यही कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हुआ मेरे साथ यही पचका होते रहता है मेरे साथ। सो गाइस मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। गाइस मैं अपनी दास्तां आपको बता चुकी हूँ, और मैं अभी जस्ट सब बॉटल में पानी भर के आई हूँ, और अभी वजू भी कर ली हूँ कि नमाज पढ़ना है, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं फिर नमाज पढ़ लेंगे। तो थोड़ा खाने का भी एक्सरसाइज ही जो मतलब हो जाता है। और खाने में भिंडी के आलू की सब्जी, रोटी, अचार, दाल खा लेते फिर नमाज पढ़ते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। सो गाइज मेरी दुआ यहाँ पे टोकरी और इतर और क्या क्या लेके आई है, सो ये आप लोगों को दिखाने लगी एक मैजिक शो। मैजिक शो में क्या है दुआ, क्या है, कौन दिया तुमको? लिपस्टिक नहीं है, वो इतर है। कौन दिया है? सरमीन उससे इतर लो, पूरा महक रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम, टाटा बाय बाय, टेक केयर।